नमस्कार, आज मैं आपको गुजिया बनाना सिखाऊंगी। गुजिया हमारे देश में होली जैसे त्योहार पर मनाए जाने वाला एक प्रमुख व्यंजन है, या फिर कहे होली की पहचान है। गुजिया के बिना तो होली कंप्लीट ही नहीं होती। इसके लिए मैंने क्या किया है, ये मैदा ले लिया है। मैदा जिसको हम ऑल पर्पज फ्लोर भी कहते हैं, इसको कि अच्छे से छान लेना है छन्नी से। ताकि इसमें कुछ भी गंदगी ना पड़ी हो और अच्छे से एक साथ हो। ये मैंने करीब आधा किलो मैदा लिया है। आप अपनी जरूरत के हिसाब से मैदा ले सकते हैं, कम या ज्यादा, जितनी भी आपको जरूरत हो आप उसके हिसाब से कर सकते हैं। ये मैदा हमने छान लिया है। अब हम इसमें करीब 1/2 टीस्पून नमक डालेंगे। हल्का सा नमक डालना है, इसका टेस्ट मानिए बहुत ही अच्छा आता है वो चीनी के साथ में, जब हम इसमें मीठा भरावन भरते हैं और जरा सा ये मैदे का टच, नमकीन टच, बहुत ही टेस्टी लगता है। ये नमक को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब हम इसमें ये रिफाइंड ऑयल का मोयन डालेंगे। मोयन डालने से क्या होता है कि हमारा जो भी पकवान बनाते हैं हम, वो थोड़ा खस्ता बनता है। ये देखिए, इसको अच्छे से ऐसे ऐसे मल मल के इसमें मिक्स कर लीजिए। ये करीब मैंने 2 टेबल स्पून यहाँ पे रिफाइंड ऑयल लिया है। ये देखिए, थोड़ा थोड़ा करके सारा ऑयल डाल लिया मैंने। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ये देखिए, ये ऐसे हम बना के देख लेते हैं। ये देखिए मोयन ऐसा, अगर ये हमारा जिसमें भी हमने मोयन डाला है वो ऐसे ही खट्टा होने लगे लड्डू की तरह, इसका मतलब हमारा मोयन सही है। अब ये मैदा तैयार हो गया। अब हम इसे पानी की सहायता से गूंद लेंगे। बहुत ज्यादा ढीला नहीं गूंदना है हमें, थोड़ा कड़ा ही गूंदना है, इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसे हम इकट्ठा कर करके गूंदेंगे। सारा मैदा इकट्ठा हो चुका है। देखिए हमारा गुटके आटा तैयार है। अब जरा सा हम इसमें ऑयल लगा लेंगे और इसे थोड़ा सा चिकना कर लेंगे। चिकना करने से ये हाथों में चिपकेगा नहीं। ये देखिए, ये हमारा ऐसा आटा बन करके तैयार है। बहुत ज्यादा कड़ा भी नहीं है और बहुत ज्यादा ढीला भी नहीं है, मीडियम कंसिस्टेंसी का हमने ये आटा तैयार किया है। अब हम इसे ऐसे किचन टॉवल इसमें ढक करके गीले कपड़े में रख देंगे। गीला करके हम इसलिए रखते हैं ताकि इसकी नमी बनी रहे और ये सूखे नहीं। अगर आटा सूख जाएगा तो आपकी गुजिया फट जाएंगी, इसलिए इस बात का ध्यान रखना है कि आटा सूखे नहीं, इसमें पपड़ी नहीं जमे, इसलिए हम इसे ऐसे गीले कपड़े में ढक करके रख देंगे।